विगत कुछ महीनों में हमारे चतरा जिले के हंटरगंज थाने में एक अंतर्राज्यीय अपराधकर्मी कैलू पासवान के गिरोह के द्वारा लगातार घटनाएं कार्य की जा रही थी, जिसमें हाल फिलहाल में जयशंकर स्टोन क्रशर पे फायरिंग और अमीन जंगल से लूट भी शामिल है। इसी गैंग के द्वारा बिहार के गया जिले के विभिन्न थानों में भी लगातार कांडों को अंजाम दिया जा रहा था। चतरा जिले में SDPO चतरा अविनाश कुमार, इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे और OC हंटरगंज सचिन कुमार दास, इन लोगों के साथ नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने लगातार अनुसंधान करके और दिल्ली से इस गिरोह का जो मुख्य सरगना था कैलू पासवान और मनोज पासवान, इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन लोगों के कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने 5 कंटेनमेंट फायरआर्म्स और लगभग 12 जिंदा गोली भी जो रिकवर किया है। आपको बताते चले कि इस गिरोह के अन्य लगभग 10 सदस्यों को हम लोग पहले ही कुल 3 हथियार के साथ गिरफ्तार करके भिन्न भिन्न कांटों में जेल भेज चुके थे। जब हमने इसके पूरे कन्फेशन स्टेटमेंट लिया और जब हमने इसके बारे में पूरी तहकीकात की तो हमें पता चला है कि बिहार के और झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल 29 से अधिक हत्या लूट डकैती इत्यादि के कांड जो है वो उनमें ये लोग शामिल रहे हैं। और इसके द्वारा जो है दाऊद नगर में कुल 65 लाख रुपये की बैंक डकैती की घटना को भी अंजाम दिया गया था। हाल ही में आवास थाना जो गया जिले में है वहाँ पर भी एक रोड डकैती 8 लाख रुपये की रोड डकैती को इसी गिरोह के द्वारा अंजाम दिया गया था। कुल मिलाकर ये एक अच्छी सफ़ेद पोषों के भी इनका संरक्षण का नाम आ रहा है सर, तो किन किन सफ़ेद पोषों में ऐसा कुछ भी नहीं आया। बिहार पुलिस के द्वारा इस पर इनाम घोषित किया गया है, हम लोगों की डिटेल की बात।